हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको वुमेंस के लिए एक जूती पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है और बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इसको यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, इसको खींचना नहीं है। चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3। ये जो स्टिच है ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है। अब इसके अलावा हमें 17 डबल क्रोशिया और बनाना है। 1 2 3। तो ये मैं कुल मिला के हमें 18 बनाना है चैन 3 को मिला के। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये 18 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इस जो टेल है इसकी, इसको पकड़ के खींच देंगे इस तरीके से, और ये जो चैन 3 बनाई थी हमने, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। तो ये जो मैं साइज बता रही हूँ वो एडल्ट के लिए है। अगर आप, यदि मैंने क्रोशिया लिया है 2.50 mm का, अगर आप यही क्रोशिया लेते हैं और सेम इसी तरीके से बनाते हैं तो एडल्ट के लिए आराम से बन जाएगा। मेरे पैर में आराम से आ गया मैंने बनाया तो अगर ज़्यादा ही बड़ा है तो आप थोड़ा सा, या तो क्रोशिया आप थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाएगा, या आप 3 का ले लें या 3.50 mm का, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका नाप। तो अब हम क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे। ये फर्स्ट वाला स्टिच है, हमें हर एक स्टिच में 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 1 2। तो इस तरीके से हम लास्ट तक स्टिच बना लेंगे। और ये जो फर्स्ट हमने चैन 3 बनाई थी, इसमें हम लास्ट में आके स्टिच बनाएंगे, जिससे ये भी 2 का सेट हो जाएगा। देखिए, मैंने लास्ट तक हर एक स्टिच में 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और ये हमारा चैन 3 वाला स्टिच है, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे पास पूरे मिला के 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, आप इसको हमेशा याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जो फोर्थ वाला स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2। तो अब हमें ये जो रो बनानी है, इसमें हमें हर एक फोर्थ वाले स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे पास कुल मिला के हो जाएंगे 45 स्टिचेस। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये रो भी पूरी कर ली है, और जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया आएंगे। तो ये देखिए, मैं लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो हमारी 1 2 3 रो हो गई हैं। अब चैन 3 बनाएंगे, 3, और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें जो 2 रो बनानी है उसमें कोई स्टिच बढ़ाना नहीं है। तो ये 4th और 5th वाली रो में हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो ऐसी 2 रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने 2 रो बना ली हैं। ये देखिए, कुल मिला के हमारे 5 हो गई हैं। 1 2 3 3 वाली में हमने हर फोर्थ वाले स्टिच पे स्टिच बढ़ाए थे, और ये 4th और 5th। अब हम 6 वाली रो बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे चैन 3, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ से इसको डबल क्रोशिया काउंट कराया है हमने चैन 3 को, तो 14 स्टिचेस बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये जो 15 वाला स्टिच है हमारा, इसमें हम, ये देखिए, ये 15 वाला है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यहाँ से फिर 1 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 14 और 15 वाला है, उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा करना है, हर 15 वाले स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
देखिए लास्ट वाला स्टिच है, इसमें हमारे दो डबल क्रोशिया आएंगे, इसको बना लेते हैं और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे हर थर्ड वाले स्टिच में, थर्ड वाली चैन में। अब हम चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा चैन थ्री है इसको एक वन डबल क्रोशिया काउंट किया है, तो हम यहाँ से लेके 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं पूरे मिला के। तो मैं 20 बना लेती हूँ, फिर उसके आगे हम बताएंगे। तो ये देखिए हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे पैटर्न डालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, चैन 1 बनाएंगे, इसके जो पास वाला स्टिच है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 2। अब यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ शुरू में हमने एक छोड़ा था लेकिन यहाँ बीच में हमें 2 छोड़ने हैं, 1 2, और जो तीसरा वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, चैन 1 बनाएंगे और इसके जस्ट पास वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसा हम लास्ट तक, ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था इसके पास तक कर लेंगे, फिर मैं लास्ट में आपको कैसे करना है ये बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। शुरू में भी हमारे पास एक ही स्टिच छोड़ा था, हमने एक स्टिच का स्पेस दिया था, तो लास्ट में भी हम एक ही स्टिच का स्पेस देंगे और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर चैन 3 बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है हमें, जहाँ से पैटर्न शुरू नहीं हो जाता वहाँ तक 20 स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पैटर्न वापस से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 20 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया। फिर ये चैन 1 के हर एक चैन 1 के स्पेस में हमें इसी तरीके से बनाना है और इस तरीके से राउंड राउंड बनाते जाना है। तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, मैंने ये वाली रो बनाई है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया है। अब हम जो एड़ी का तरफ हिस्सा आता है नीचे की वो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने धागा हटा दिया। अब हम जो स्टिच शुरू करेंगे, हम ये दो वाले, ये जो दो पैटर्न बनाई हुई थी हमने, इनको हम यहाँ पैटर्न में लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये फर्स्ट स्टिच, देखिए यहाँ पे यहाँ से हम धागा लेंगे, देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, ये एक स्टिच हो गया हमारा, एक स्टिच हम इस पे बनाएंगे, एक जो 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हमने चैन 1 के स्पेस में बनाने हैं, फिर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हम एक एक के ऊपर एक एक, 1 2, फिर हम यह दूसरी वाली पेटल पे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर भी 5 स्टिच ही आएंगे, 1 2, चैन 1 के स्पेस में एक स्टिच आएगा और 2 डबल क्रोशी, ये 2 डबल क्रोशियों के ऊपर आएंगे। अब यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे शुरुआत से। तो यहाँ से स्टिच बनाऊंगी मैं, यहाँ तक बना लूंगी, यहाँ तक मैं वापस आपको यहाँ पे आके बताती हूँ। तो देखिए जो दो पेटल हमने शुरू में ली थी इस तरफ से, तो दो पेटल हमने इस तरफ से भी ली हैं, तो 10 स्टिच इसके ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से हम वापस लौट जाएंगे, यहाँ आगे नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और इसको इस तरफ पलट लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है ये वाला जो स्टिच है आप में, आपको इसमें स्टिच नहीं बनाना है, ये हमारा डबल क्रोशिया है और जस्ट ये स्टिच है इसको नहीं बनाना है। ये इस वाले स्टिच से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो आपका एक स्टिच बढ़ जाएगा और यहाँ पे हमें स्टिच बढ़ाने नहीं है। तो
यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच लास्ट तक बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए ये लास्ट स्टिच लग रहा है, लेकिन ये जो चैन थ्री हमने शुरू में बनाई थी तो इसके फर्स्ट वाले स्टिच में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, नहीं तो यहाँ पे एक स्टिच कम होता चला जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो चैन थ्री बनाएंगे उसमें भी एक डबल क्रोशिया आपको ज़रूर बनाना है, तभी इसका जो शेप है वो एक सा आएगा। इस तरीके से चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3, और फिर जस्ट हमें ये वाला स्टिच नहीं बनाना है, यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हम बार बार इसको यहाँ तक बनाएंगे, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे। तो जितना हमारा पैर का नीचे का हिस्सा, पैर हमारा पूरा कवर हो जाता है एड़ी तक, उतना बना लेना है हमें ये रो। तो ये मैं बनाने के बाद फिर आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए मैंने 11 रो बना ली हैं, जब हमारा ये ख़त्म हुआ तो ऊपर वाला हिस्सा, इसके बाद 11 रो बना ली हैं। अब मैं एक लास्ट रो बनाऊंगी। लास्ट रो हमें किस तरीके से बनानी है, यहाँ पे हमारे पास स्टिचेस हैं, यहाँ पे हमारे पास 40 स्टिचेस हैं, 40 डबल क्रोशिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 16 डबल क्रोशिए बना लेंगे पहले। देखिए मैं चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से डबल क्रोशिए बनाने शुरू करेंगे और 16 बना लेंगे। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतना बनाने के बाद आपको लास्ट ये वाली रो बनानी है। तो ये 16 डबल क्रोशिए बना लेंगे हमने। अब ये 16 हमें इस तरफ छोड़ने हम बीच में क्या पैटर्न बना, देखिए किस तरीके से बनाएंगे। बीच का हिस्सा एड़ी के लिए राउंड आ जाएगा। ये हमने ये 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे, 1, फिर वापस से धागे को लपेटेंगे, दूसरा भी आधा ही बनाएंगे, 2, ये हमारे पास 3 स्टिचेस हो गए हैं, फिर इसको भी आधा बनाएंगे, 1 2 3, फोर्थ वाले को भी आधा बनाएंगे, फिफ्थ वाले को भी, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस हो जाएंगे हमारे। अभी 6 वाला बनाएंगे, 6 वाले को भी आधा बनाएंगे, 7th वाले को भी आधा बनाएंगे और 8th वाले को भी आधा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये सारे स्टिचेस को एक कर देना है। और यहाँ पे इसको चैन बना देंगे, बंद कर देंगे इसको। ये राउंड आ जाएगा, ये एड़ी पे राउंड आएगा गोल हिस्सा। अब यहाँ से हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 8 स्टिच बना ली। इसके बाद तो हमारे पास 16 होने चाहिए, ये भी इस तरफ भी 16 होने चाहिए। तो आपके अगर कम ज़्यादा आते हैं तो आपको बीच वाले स्टिचेस बनाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। देखिए ये पूरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और अंदर की तरफ से हम इसको, ये जो एड़ी वाला हिस्सा है नीचे का, इसको हम सिल देंगे। आप चाहे तो क्रोशिया से सिल सकते हैं या चाहे तो धागे से सिल सकते हैं। तो मैं तो इसको क्रोशिया से ही सिल रही हूँ। क्रोशिया से किस तरीके से सिलते हैं देखिए, आप यहाँ पे यहाँ से फर्स्ट वाला स्टिच लेंगे। मैं इसको इस तरफ कर लूँगी, मुझे यहाँ से कंफर्टेबल रहेगा। अगर नीचे से सिलते तो हम एक ही तरफ से सिल सकते थे। अब देखिए यहाँ से एक स्टिच लेंगे, एक स्टिच दूसरी तरफ से लेंगे, इन दोनों को यहां से सिंगल स्टिच बना देंगे, फिर एक स्टिच लेंगे इस तरफ से, एक स्टिच दूसरी तरफ से, जस्ट लास्ट में हमें जो नीचे बिल्कुल स्टिच देख रहे हैं वही लेने हैं। इस तरीके से लास्ट तक सिल लूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिल लिया है, और ये जो देखिए ये एड़ी पे यहाँ राउंड आया है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा धागा लगा लिया है। मैं क्रोशिए से इसलिए सिलती हूँ क्योंकि जब हमारा कुछ गलत हो जाता है तो क्रोशिए का जो सिला हुआ होता है वो आसानी से उधर जाता है, और अगर हम सिलाई
मशीन से सिल देते हैं सुई से, तो उसको उधेड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं क्रोशे से ही ज़्यादातर सिलती हूँ उन चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पे नया धागा लगा लिया है, देखिए यहाँ से अब धागा लगा लेंगे, वहाँ पे सिलने के बाद काट देंगे और फिर यहाँ से लगा लेंगे। चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे हम एक रो बनाएंगे सिंगल स्टिच की पूरी, इस तरीके से। तो जो हम यहाँ से लेके पूरे राउंड में हमें सिंगल स्टिच की रो बना लेनी है, जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिंगल स्टिच की रो बना दी है और देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है। ये देखिए हमारा बन के इस तरीके से लगेगा। तो सेम आप इसी तरीके से दूसरा भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं या आप कोई बो बना के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।